हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 15,000। दोस्तों अगर आपका बजट 15,000 के अराउंड स्टैंड करता है और आपको इस टाइम पर इस प्राइस बजट के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय करना है देन ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है बिकॉज इस वीडियो के अंदर काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद टॉप 5 स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जहां पर आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ साथ जबरदस्त स्पेक्स मिलते हैं लाइक 120Hz कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अलावा फ्लैक्सिप वॉइस कैमरा विथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड डायमेंसिटी 7300 मोस्ट पावरफुल 5G CPU होगा जिससे आप हाई ग्राफिक गेमिंग भी कर सकते हो। हर एक स्पेक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी सो बने रहिए। बट गाइस सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके क्योंकि ये एकदम फ्री है सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले डिवाइस की जो इस लिस्ट का लास्ट फोन है, नंबर 5th पोजीशन पर आता है और यह दोस्तों लावा की तरफ से लावा ब्लेज X5G बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। बजट के अंदर प्रीमियम कोप डिस्प्ले ऑफर करता है, इसी के साथ बाकी स्पेक्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। 4+128GB बेस ब्रांड से आता है, इसमें 6.67 इंचेस FHD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 800 पीक ब्राइटनेस मिलती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोन बैक दिया गया है विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 64MP का दिया गया है जिसमें आपको सोनी का सेंसर मिलेगा बट एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सा सेंसर है। साथ में 2MP का फालतू का यूजलेस मैक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी दी गई है। इसके प्राइमरी कैमरे से 2K 30fps और सेल्फी कैमरे से फुल HD 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो। इसमें ओनली EIS दिया गया है, कैमरा क्वालिटी एवरेज मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस मिलेगा MediaTek Dimensity 6300 जो 6nm CPU है, 4,20,000 प्लस अंडरस्कोर आता है, मीडियम लेवल की गेमिंग कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 मिलेगा जो कि स्टॉक एंड्रॉइड यानी कि क्लीन UI पर बेस्ड है। डुअल सिम स्लॉट LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप होगा। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें IP53 की रेटिंग मिलती है। दोस्तों ये स्टार्टिंग वेरिएंट 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 14,999 बट आप इसके 6+128GB वेरिएंट को विदाउट एनी ऑफर सिर्फ 16,000 रुपए में इजिली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो G64 5G। ये बजट के अंदर मोटो का वन ऑफ द बेस्ट फोन है जो स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। अगर आपको क्लीन UI एक्सपीरियंस चाहिए देन इसको चेकआउट करिए। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है, इसमें 6.5 इंचेस FHD प्लस IPS डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन और 5/16 पीक ब्राइटनेस मिलती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोन बैक दिया गया है विद मैट फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्सी टाइप। यहाँ पर आपको डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है जिसमें OIS का सपोर्ट मिलता है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड मिलेगा और फ्रंट साइड में 16MP की सेल्फी दी गई है। इसके प्राइमरी कैमरे में फुल HD ऑप्शन मिलता है जिससे आप 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो जबकि सेल्फी कैमरे से फुल HD 30fps पर रिकॉर्ड कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी एवरेज मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7025 जो 6nm CPU है, 5,00,000 प्लस अंडरस्कोर आता है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 90fps गेम प्ले मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है जो कि MyUX 14 पर बेस्ड है, हाइब्रिड सिम स्लॉट LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप भी मिलता है। यहाँ पर 6000mAh की बिग बैटरी दी गई है जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बाकी इसमें 8GB वर्चुअल रैम, डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और 3.5mm जैक भी मिलता है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 14,999, 15,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक फोन है अंडर 15K, इनफैक्ट ये इंक्लूडिंग बैंक ऑफर 13,000 तक भी मिल जाएगा और इसमें काफी सिक्योर एंड ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर दिया गया है। 6+128GB बेस ब्रांड से आता है, इसमें 6.5 इंचेस FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद ड्रॉप नॉच, 120Hz फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 1000 पीक ब्राइटनेस मिलती है।
डिस्प्ले वैसे तो बहुत ही बढ़िया मिलता है, सैमसंग का सुपर एमोलेड बाकी सुपर एमोलेड से बेस्ट होता है, बट आप इस पर HDR और 4K कंटेंट प्ले नहीं कर सकते। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा विद ग्लॉसी फिनिश और प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का होगा जिसमें OIS का सपोर्ट मिलता है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके प्राइमरी कैमरे के अंदर 4K ऑप्शन मिलता है जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पर शूट कर सकते हो, जबकि सेल्फी से अगेन फुल HD 30 FPS पर शूट कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी नो डाउट। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है Exynos 1280 जो 5nm CPU है, 5 लाख प्लस अंक स्कोर आता है, डिसेंट गेमिंग कर सकते हो, ज्यादा हाई गेमिंग एक्सपेक्ट मत करना। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है जो कि One UI 5.1 पर बेस्ड है, हाइब्रिड सिम स्लॉट, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। यहाँ पर 6000mAh की बिग बैटरी मिल जाएगी जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट स्नैली अडेप्टर बॉक्स में नहीं है। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर, नॉक सिक्योरिटी और 3.5mm जैक भी मिलेगा। दोस्तों ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है विदाउट एनी ऑफर ओनली 12999, बट आप इसके 8 प्लस 128GB वेरिएंट को विदाउट एनी ऑफर सिर्फ 15,000 रुपए में इजीली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Realme की तरफ से, Realme Narzo 70 Pro 5G। ये 15,000 के अराउंड वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंटर फोन है जो फ्लैगशिप कैमरा सेंसर ऑफर करता है, वो भी OIS के साथ। इसके अलावा टॉप नॉच परफॉर्मेंस और बाकी स्पेक्स भी बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। 8 प्लस 128GB बेस ब्रांड से आता है। इसमें 6.67 इंचेस FHD प्लस OLED डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिपेट सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2000Hz पीक ब्राइटनेस और HDR10+ सपोर्ट मिलेगा। रियर साइड में ग्लास बैक मिलेगा विद मैट फिनिश, बट कैमरा मॉड्यूल के साइड में आपको ग्लास मिलता है और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्सी टाइप। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का दिया गया जो OIS को सपोर्ट करता है, और इसमें आपको फ्लैगशिप कैमरा सेंसर सोनी IMX890 मिलेगा, साथ में 8 का अल्ट्रा वाट और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी। इसके प्राइमरी कैमरे में 4K ऑप्शन मिलता है जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पर शूट कर सकते हो, जबकि सेल्फी से अगेन फुल HD 30 FPS पर शूट कर पाओगे। ये बजट के अंदर इकलौता फोन है जो फ्लैगशिप कैमरा के साथ साथ OIS ऑफर करता है। इस प्राइस पर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिलती है नो डाउट। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7050 जो 6nm CPU है, 6 लाख के अराउंड अंत स्कोर आता है, BGMI या COD मोबाइल 90 FPS पर रन कर सकते हो, टॉप नॉच गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है, हाइब्रिड सिम स्लॉट, LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप होगा। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक, एयर जेस्टर्स फीचर और डुअल स्टोरेज स्पीकर्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी प्राइस है 17999, बट 2500 रुपए का कूपन डिस्काउंट मिलेगा। ओवरऑल आप इस फोन को 15,500 रुपए में इजीली ग्रैब कर सकते हो। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लाइट स्मार्टफोन आता है नथिंग की तरफ से, CMF Phone 1। ये काफी यूनिक फोन है, अगर आपको स्टाइलिश गुड लुकिंग फोन चाहिए देन इसको चेकआउट करिए, और ये बजट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन भी है। 6 प्लस 128GB बेस ब्रांड से आता है। इसमें 6.67 इंचेस FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 120Hz फास्ट रिपेट सपोर्ट करता है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2000Hz पीक ब्राइटनेस और HDR10+ सपोर्ट मिलेगा। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है विद मैट फिनिश, और ये रिमूवेबल बैक के साथ आता है, मतलब आप इसके बैक को रिमूव करके दूसरा इंस्टॉल भी कर सकते हो, और प्लास्टिक फ्रेम होगा बॉक्सी टाइप। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का यूजलेस पोर्ट्रेट लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके प्राइमरी कैमरे से 4K 30 FPS और सेल्फी कैमरे से 2K 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी एवरेज मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7300 जो ओनली 4nm CPU है, 6.5 लाख प्लस अंक स्कोर आता है, ये Dimensity 7050 से भी बेटर परफॉर्म करता है, टॉप नॉच गेमिंग कर सकते हो नो डाउट। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया गया है जो कि नथिंग OS 2.6 पर बेस्ड है, हाइब्रिड सिम स्लॉट, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप होगा। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट सडनली अडेप्टर बॉक्स में नहीं है। बाकी इसमें ओनली सिंगल मोनो स्पीकर मिलेगा। दोस्तों ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 15,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर आप इसको 15,000 के आसपास इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो गाइस ये थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 15K, होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।